जीवन में कुछ भी पकड़ने योग्य नहीं है। अगर आपने कुछ भी पकड़ा तो आप सारी उम्र सारी ज़िंदगी उसको छोड़ नहीं सकते। ये पकड़ चाहे धन की हो, धर्म की हो, यश की हो या दुनियावी जो और चीज़ें हैं उनकी हो, जिसको भी हम पकड़ते हैं एक दिन हम पाते हैं कि हम छोड़ना भी चाहते हैं तो हम छूट नहीं पाते, वो चीज़ हमको जकड़ लेती है। धन को अगर पकड़ा तो धन से मोह बन जाएगा, धन से इतना मोह बंध जाएगा आपका कि एक दिन आप पाओगे कि 24 घंटे आप धन का ही गुणगान कर रहे हैं, धन के ही गुलाम होकर रह गए हैं। अगर आपने धर्म को पकड़ लिया, कोशिश करके अगर आपने धर्म को पकड़ा कि मैंने धार्मिक बनना है, तो आप पाओगे कि एक दिन धीरे धीरे आप धर्म में इतने व्यस्त हो गए, इतने खो गए, इतने सो गए कि आपको ज़िंदगी की दूसरी जो मुश्किलें हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, ज़िंदगी के जो दूसरे आयाम हैं, वो आपको याद नहीं रहेंगे। आप धर्म में खो गए, जैसे आप धन में खो गए थे ऐसे ही धर्म में भी खो जाते हैं लोग। यश, कीर्ति, सम्मान, राजनीति, इसका एक अलग नशा होता है। जो लोग राजनीति में यश कमाने में लग जाते हैं बेहोशी से, तो एक दिन वो ऐसे फंस जाते हैं कि वो निकल नहीं पाते। तुमने देखा होगा कि जो राजनीतिक लोग हैं उनके जो चेहरे हैं वो ऐसे बन जाते हैं कि लगता है कि ये लोग, इनसे कुछ भला नहीं होगा, ये हिंसक लोग हैं, ये दूसरे का भला नहीं कर सकते। जो आपके भीतर चलता है वो बाहर नज़र आना शुरू हो जाता है। अगर आपके भीतर बेहोशी चलती है, बेहोशी से आप कुछ भी कमा रहे हैं, तो चेहरे से बेहोशी नज़र आएगी। अब अगर आपके भीतर होश है पूरा, तो आपके चेहरे से एक आभा नज़र आएगी, जिससे आप लोगों को, दूसरों को लगेगा कि इसके चेहरे से कुछ अलग ही नूर नज़र आ रहा है। होश का नूर ऐसा होता है, उसकी लौ ऐसी होती है जो दूसरों को प्रभावित करती है, और लोग चाहते हैं कि वो भी उस व्यक्ति जैसा बने। बेहोशी का जो आभा मंडल है, बेहोश लोगों का जो ऑरा है, वो ऐसा होता है कि वो आपको खींचता है, सक करता है।
नेगेटिविटी नकारात्मक ऊर्जा इतनी होती है कि वो आपको महसूस होती है कि जब आप ऐसे लोगों के पास जाते हो, उनके आभा मंडल के जो लिमिट है उसमें आप उनके निकट जाते हो, तो आप पाते हो कि वो आपको इन्फ्लुएंस करते हैं। ऐसे लोग, उनकी जो नकारात्मक ऊर्जा है, जो नेगेटिव ऊर्जा है, वो आपको टच करती है। हिंसा की जो ऊर्जा होती है बहुत ही स्ट्रांग होती है, तेज होती है। ऐसे ही अगर कोई धर्म में खो गया, बेहोश हो गया, तो उसके चेहरे से आपको ऐसा नहीं लगेगा कि इसके अंदर कोई लॉ है। आपको महसूस हो जाएगा कि इसकी बुद्धि जो है वो तीक्ष्ण नहीं रही, ये मैकेनिकल हो गया, ये मिशनरी हो गया। ऐसे लोग आपको अगर मिल जाएं, तो वो कोशिश करेंगे कि जिस धर्म को वो मानते हैं उस धर्म में आपका भी प्रवेश हो जाए। ये भी एक हिंसा है। इसलिए मेरे देखे जीवन जो है उसका अगर हम एक ही सूत्र जाने तो वो है होश। अगर आपको होश है तो वो जो भी आप करेंगे उसमें आप खो नहीं जाएंगे। जो होश पूर्वक आदमी है वो राजनीति में भी आ सकता है, उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। अगर वो होश से राजनीति करेगा, बेशक वो कामयाब नहीं होगा, बड़ी जल्दी उसको छोड़ना पड़ जाएगा या दूसरे लोग छुड़ा लेंगे उससे। लेकिन वो जितनी देर भी राजनीति में आएगा, राजनीति करेगा, उसको पता होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। वो अपने से ज़्यादा दूसरों का भला सोचेगा, ऐसे काम करने की कोशिश करेगा जिससे दूसरों का भला हो। होशपूर्वक आदमी का प्रवेश अगर धर्म में होगा तो उससे कुछ भी बुरा नहीं होगा, दूसरों का कोई नुकसान नहीं होगा। वो किसी को नहीं कहेगा कि मुझे फॉलो करो, ज़बरदस्ती वो किसी को मिशनरी के तौर पर किसी को वो नहीं कहेगा कि इस धर्म को मानो, ये ग्रंथ पढ़ो, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, ये करो, वो करो। होशपूर्वक आदमी का एक संदेश होता है जो उसके भीतर से बह रहा है, वो दूसरों को धीरे धीरे पता लगना शुरू हो जाता है। ऐसे ही होशपूर्वक आदमी अगर कोई बिजनेसमैन है, धन कमा रहा है, अपना व्यापार कर रहा है, बेशक वो ज़्यादा देर ऐसा व्यापार नहीं कर सकेगा, तो जितनी देर भी वो करेगा उसमें कोई चालाकी नहीं होगी, उसमें दूसरों का भला शामिल होगा, उसकी नीयत जो है वो बुरी नहीं होगी, ईमानदार होगा। इसलिए जो जीवन का पहला और आखिरी सूत्र है वो होश है। अगर आपको होश है तो आपको पता चलेगा कि आपसे हिंसा हो रही है या अहिंसा।
अगर आप बेहोश हैं तो आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा। आप कहेंगे कि मैं तो हिंसक नहीं होंगी, लेकिन आपसे हिंसा होती रहेगी क्योंकि आप खो गए हैं। आपका मन ऑक्यूपाइड हो गया है। तो जो भीतर का रास्ता है, अध्यात्म का रास्ता है, इनर जर्नी है, उसमें एक ही आपका गाइड है, वो है होश। अगर होश है तो आप जिससे भी सीखोगे, जो भी आपका गुरु होगा, आप उससे सीख लोगे, और जब आपको लगेगा तो आप उससे विदा हो जाओगे, दूर चले जाओगे। ना तो आप फंसोगे, ना दूसरे को फंसाओगे। होश का दिया अगर भीतर बढ़ रहा है तो वही ध्यान है, वही मेडिटेशन है। जिस आदमी को होश आ गया, उससे ऐसे काम जो धर्मों वाले ज़बरदस्ती करवाते हैं, कहते हैं लोगों को ये ना करो, वो ना करो, ये ना खाओ, वो ना खाओ, जो होशपूर्वक आदमी है उससे ऐसे काम जिससे हिंसा फैलती हो दुनिया में, वो ना हो सकेंगे। उसके भीतर की जो ऊर्जा है वो अपने आप ही ऐसी हो जाएगी कि बाहर से उसका जो कर्म है, उसका जो काम है, उसमें प्योरिटी आनी शुरू हो जाएगी। होश रखो, आप होश से जो भी करना है करो, तो आप पाओगे कि आप जितने होश पूर्वक हैं उतने ही आप भीतर से सरल होते जाएंगे। कनिंगनेस और चलाकी जो है वो विदा हो जाएगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।